वेलकम टू कंप्यूटर क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मतलब पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय आईपीयू साइकिल, मतलब आप आईपीयू साइकिल से क्या मतलब समझते हैं, आईपीयू साइकिल का अर्थ क्या है। आईपीयू साइकिल के उत्तर में आंसर में आप लिखते हैं, इस तरह से आपने एक ड्राइंग बनाई होगी आपकी नोटबुक में, जिसमें इनपुट प्रोसेस और आउटपुट तीन चीज़ें अलग अलग बॉक्स में बनाई हुई है। इसमें सबसे पहले इनपुट है, जिसके नीचे एरो करके मैंने लिखा हुआ है रो डेटा इंटर थॉट, मतलब आपकी डेटा को, आपकी कमांड को, आपके आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए हम जिन साधनों का यूज़ करते हैं उन्हें इनपुट साधन, इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। फिर होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब होता है आपकी प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली क्रिया को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं तो जो प्रोसेसिंग है वह उस आदेशों पर काम करता है। उसके बाद आपके पास आता है आउटपुट, यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब जब आप अपने आदेशों को कंप्यूटर को देते हैं, अपने ऑर्डर्स को कंप्यूटर को देते हैं और वह आपको उन ऑर्डर को पूरा करके मतलब उसके आंसर्स या उसके रिजल्ट्स आपको देते हैं तो उसे कहते हैं आउटपुट। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओएमआर, ओएमआर का कार्य क्या है। सबसे पहले ओएमआर का कार्य समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ओ एम आर होता क्या है। ओ आर एम का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसके आंसर में आपके पास लिखा हुआ है, ओ एम आर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ स्कैनर, इट इज़ स्पेशली यूज फॉर चेकिंग द आंसर्स शीट्स ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इसके उत्तर में आपके पास लिखा है कि OMR होता क्या है और उसका यूज़ किस लिए किया जाता है। तो OMR का उपयोग हम आंसर शीट्स को, मतलब जब आप कोई पेपर देते हैं उसके बाद जो उसके उत्तर की शीट्स होती है, उत्तर के पेज होते हैं, उसको चेक करने के लिए हम OMR का यूज़ करते हैं। और वो शीट्स में जो आंसर लिखे होते हैं, जो उत्तर आपको उन पेजों में लिखे होते हैं, वो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हो और उसके नीचे आपके पास चार या पांच पॉइंट दिए हो, चार या पांच शब्द दिए हैं जिसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना होता है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट इज़ एन इनपुट डिवाइस नेम एनी टू, मतलब इनपुट डिवाइस होते क्या हैं और किसी दो इनपुट डिवाइस के आपको इसमें नाम बताने हैं। तो इनपुट डिवाइस होते क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो हमारे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। हमारे आदेशों को कंप्यूटर तक पहुंचाने वाले डिवाइसेस को हम, साधनों को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। नेम एनी टू मतलब आपको किसी दो इनपुट डिवाइसेस के नेम बताने हैं। तो यहाँ पर मैंने लास्ट लाइन में नीचे लिखा हुआ है कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड भी आपके पास इनपुट डिवाइस है और माउस भी आपके पास इनपुट डिवाइस है। आज की क्लास में आपको ये तीनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। थैंक यू।